और अभी टाइम हो रहा है 11:45 का और मैं नहा धो चुकी हूँ। और आज मैं गई थी, मेरा टेस्ट होना था, काफ़ी दिन से था लेकिन हम जा नहीं रहे थे। मतलब डर लगती है ना हॉस्पिटल वगैरह में जाने में, बहुत डर लगती है। और मेरा एक्चुअली मुझे बीपी की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, बीपी लो की, तो सब ने बोला टेस्ट करा लो। हमने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तो आज फाइनली चले ही गए। और कौन सा टेस्ट, CGA नाम भी नहीं आ रहा था, उसकी रिपोर्ट भी तुरंत मिल गई। ऐसे बिग बाज़ार वगैरह में जैसे बिल निकलता है वैसे रिपोर्ट निकल के आ गई, CBS ऐसे लाइन। तो लेकिन जब टेस्ट कराने गए भैया, जो इसका मशीन था उसको देख के जो डर लगी है ना, हमने कहा कहीं करंट ना लगे, बहुत खतरनाक मशीन थी। हाथ दोनों पैर में पिन लगा दिया, हाथ पे पिन लगा दिया, पूरे पेट के ऊपर एकदम छोटी छोटी पिन। अल्लाह, बहुत तेज डर लग रही थी, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा अगर करंट आया तो छटपटा के मर गए, बचेंगे नहीं। खैर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रिपोर्ट आई है, सही है, ना बहुत ख़राब है ना बहुत सही है, ठीक है। लेकिन अभी डॉक्टर ने बोला हार्ट का टेस्ट कराने के लिए, प्लस थायराइड टेस्ट। और हार्ट का तो सारे जितने भी डॉक्टर्स को अगर मैंने भी बताया बीपी वाली बात, तो सब ने बोला कि हार्ट टेस्ट कराने को। एक्चुअली एक बार दर्द भी हो चुका है और इस वजह से, तो देखिए कब कराते हैं, मतलब मन नहीं हो रहा मेरा जाने का। जाओ कुछ निकला है कुछ तो वो भी, लेकिन कराना तो पड़ेगा इंशाल्लाह। कल परसों में जाकर उसको भी करा लूँगी, ताकि हमसे ज़्यादा तो तसल्ली घर वालों को हो जाएगी, है ना। तो खैर अभी मैं आ गई हूँ, अभी मैं पीने जा रही हूँ शरबत, ये बड़े से ग्लास में नींबू वाले। बहुत ही शदीद गर्मी है, इतनी बेकार वाली धूप है ना कि क्या होता। बहुत बेकार धूप है ना, बारिश हो रही ना, हवा चल रही, कुछ भी नहीं, लाइट इतनी धीमी आ रही है। खैर वहां से मैं गई थी विशाल, सिस्टर को जाना था विशाल में, कुछ उनके लिए कुर्तीज लेने मिली नहीं, उनको पसंद ही नहीं आती थी। मैंने यहाँ अपने बेटे के लिए ये ले लिया सन ग्लासेस, येलो। अभी वो सो रहे हैं, अब उठेंगे तब उनको मिलेगा। काफ़ी अच्छी लगी हमको, लगा उनके ऊपर काफ़ी अच्छी भी लगेगी। और जस्ट 49 रुपीज़ में है ये किड्स सन ग्लास, अच्छी लग रही है ना, सब येलो। अभी ये उठेंगे देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। तो अभी तो ये है, अभी बहुत बाल मेरे इतनी ज़्यादा कम हो गए हैं, इतनी ज़्यादा कम हो। अच्छा आप लोग मेरी वीडियोस को भाई सब्सक्राइब, जो लोग भी देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। और अगर उसमें कुछ नहीं अच्छा लग रहा है तो वो भी बता दो, अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लो। एक सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, साथ में बेल आइकन क्लिक करना। कोई चार्ज वगैरह लगता नहीं है इसका, कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ आपको एक क्लिक करना है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम मौज MS टकाटक पर फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी सारी IDs मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी 12 बज चुका है, तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद क्योंकि अभी कमरे की हालत बहुत ख़राब है, मैं आपको दिखाती हूँ ये, क्योंकि सुबह में जल्दी चले गए, 9 बजे से पहले ही जाना था, इतने सारे कपड़े अभी फोल्ड करना है, तो कुछ भी सही नहीं किया था, चले गए थे। अभी बस थोड़ा रेस्ट करेंगे, लंच करेंगे, उसके बाद अगर कुछ बनाना हुआ, हाँ मुझे बनाना बेसन के लड्डू और हमके लिए, तो एक बार मैंने ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर भी की अपने पहले ब्लॉग में, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा,
और मैं बनाते वक्त भी आपको ऐसे रफली दिखाऊंगी कैसे बना रही हूँ। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके वहाँ फुल रेसिपी देख सकते हैं। जो लोग देख चुके हैं बहुत अच्छी बात है। तो फिर अभी मिलते हैं मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। आए तो अभी दूसरा दिन हो गया, कल मैंने कुछ भी नहीं शूट किया, कुछ बनाया ही नहीं था। तो अभी 2 बजने वाले हैं, अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ और आज है जुमरात यानी थर्सडे, तो थर्सडे को बाल नहीं धोते। तो मैंने पर्पल से कुछ ऑर्डर किया था, आज ही रिसीव हुआ इस तरह से पैकेट कार्डबोर्ड में। तो अभी देखते हैं क्या क्या आया। ज़्यादा नहीं मंगाया था तो ये ऐसे, मम्मी मेरी अनबॉक्सिंग कर चुकी है इसकी है, तो ये इस तरह से आया था। यहाँ पे एक बबल रैप वाला देता है ताकि ये हिलेगा, इसमें सामान इधर उधर नहीं होगा तो ख़राब नहीं होगा। तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी होती है। तो मैंने मंगाया था सबसे पहले ये वाला पेस्ट, हमारे यहाँ पे काफ़ी टाइम से हो रहा है तो बिग बाज़ार का कुछ समझ में नहीं आता, तो ऑनलाइन पे ही मंगाई हिमालय कंपनी के, बहुत ही अच्छा पेस्ट होता है। हम लोग बहुत टाइम से यही यूज़ करते हैं, दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अगर है तो वो भी ठीक हो जाती है। तो आप लोग भी ये वाला यूज़ कीजिए, ठीक है। अभी यार हम बहुत बिजी हैं भाई, आज मैं फिर गई थी हॉस्पिटल टेस्ट कराने, हार्ट जो थोड़ा थोड़ा मेरा पेन हो रहा है उसका, फालतू की रिपोर्ट इतना ज़्यादा टेस्ट लिख दिए, ये वो फलान ढिमकान, कुछ नहीं कराए चले। और मेरा बेटा मेरा रिपोर्ट देख रहा है, बेटा ये भविष्य के डॉक्टर हैं, अरहम डॉक्टर अरहम, ठीक है। तो चलिए, तो ये कंप्लीट केयर हिमालय का बहुत ही अच्छा पेस्ट होता है, काफ़ी साल से हम लोग यही यूज़ करते हैं, हमारे घर में यही यूज़ होता है। और इसमें बाय वन गेट वन आप या सिंगल भी मिलता है, लेकिन बाय वन गेट वन वाला ही लेते हैं। तो इसमें ये 150-150 ग्राम के 2 पेस्ट हैं, बेस्ट होता है। तो मुझे दिख गया तो मैंने कहा मंगाना ही है, तो मैं मंगा लूँ। और मेरा सोना आ गया, मोबाइल नहीं, नो 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 नो, देखो हम लोग आ रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, अब क्या कर दी। आज मेरा सोना करेगा अनबॉक्सिंग, है ना ये। और यहाँ पे मैंने हिमालय का एक मंगाया है, ये अलग से बबल रैप में है, हेयर क्रीम प्रोटीन का, बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं। पैकेजिंग पर्पल की काफ़ी अच्छी होती है, प्रोटीन हेयर क्रीम दिखा तो दें पहले। इसमें है चिकपी एंड आंवला, 100 ml का है, चिकपी एंड आंवला का है ये हेयर क्रीम। अभी फर्स्ट टाइम मैं लगाऊंगी, मुझे आता भी नहीं, सिस्टर को आता होगा तो मतलब उनको आता ही है। MRP 80 है, लेकिन डिस्काउंट में मिल गया था। तो ये है, जब यूज़ करेंगे तो इसको आपको ज़रूर मैं दिखाऊंगी। प्रोटीन हेयर क्रीम एक्स्ट्रा नरिशमेंट, नरिशिंग हेयर, कीप्स हेयर हेल्दी, ठीक है ये। और साथ में मैंने मंगाया था नायका द बिग एप्पल ऑफ माई कोल काजल, ये 2 मैंने मंगाए थे, एक अपने लिए एक सिस्टर के लिए। ये इस पर तो 99 की MRP है, जूम कर रहे हैं ये, जूम कर रहे हैं अभी, और कितने जूम में आएंगे। तो ये 2 काजल मैंने मंगाया है, लो इसकी, इसको भी देख लेते हैं कैसा है, ये इस तरह से, इसमें अलग से पैकेट लगी हुई है। तो जब लगाएंगे तो दिखेगा ही। तो ये काजल है नहीं, अच्छा ये मिल गया ना, वो ले लीजिए आप, ठीक है। तो ये 3 चीज़ मैंने पर्पल से मंगाया था और ये इन्होंने सारा अनबॉक्सिंग, एक्स्ट्रा अनबॉक्सिंग कर दिया है। हाँ ये ले लो मेरे सोना। तो ये है अभी 2 बज गए, हाँ ये भी दिखा रहे हैं, 2 बज गया, 2 बजे अभी किसी ने कुछ खाया पिया नहीं है, फालतू हॉस्पिटल जाके चले जाओ ना, एक्स्ट्रा इंसान बीमार हो जाएगा और एक्स्ट्रा उसको दिमाग का ख़राब हो जाता है हॉस्पिटल जाके। चलो भागो, है ना। तो इतनी सारी टेस्टें लिख दी, इतनी सारी टेस्टें लिख दी भैया, हमने कहा हम तो कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक
पता करना है मुझे कि हाँ हार्ट पे मेरे जो पेन होता है वो क्यों होता है, उसका एक सिंपल टेस्ट आप करिए, बात ख़त्म है ना। टेस्ट हो जाए, जो रिपोर्ट में आया अगर कम 19-20 कुछ है, उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट कर दीजिए, बस हो गया। कुछ डाइट वाइट एक्स्ट्रा है वो बता दीजिए, लेकिन नहीं भाई वो तो मैंने नहीं करा है। ठीक है, अब मैं दिखाऊंगी, एक डॉक्टर है ये वो भी अच्छे डॉक्टर है, उन्होंने मुझे पहले ही बताया था, लेकिन फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, तब से उतना पेन भी नहीं हुआ। फिर कल रात में मेरे फिर पेन हुआ 3 बजे रात को, फिर तब से हल्की की पेन हो रही है। नहीं खुला। तो इसलिए भाई अभी इस टाइम किसी को कुछ भी, जरा से भी 19-20 उसकी बॉडी में होता है, वो ज़रूर कंसल्ट करे डॉक्टर से। लेकिन भाई थोड़ा एक ही डॉक्टर के भरोसे मत रहन, एक दो डॉक्टर को ही, जैसे हम लोग कुछ कपड़े खरीदने जाते हैं, कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं, एक दुकान देखते हैं, फिर 2-3 दुकानें देखते हैं ना, फिर लेते हैं मोल भाव करके सीम ऐसे। तो इस वजह से अब बार्गेनिंग मोल भाव सेम है ना, तो दिखा लो भाई डॉक्टर। जब सब अगर 2-3 डॉक्टर आप दिखा रहे हैं, दोनों तीनों की बातें एक ही सेम है, तो समझ लिया ठीक है। अगर अलग अलग होता है तो फिर आप कुछ समझदार है क्या करना है आगे, इसलिए ठीक है। तो अभी मम्मी नहा रही हैं, फिर उसके बाद खाना पीना खाया जाएगा, क्योंकि अभी सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ मैंने 2 पीनट बटर और चाय खा के मैं चली गई थी खा पी के बस। और इस आजकल कुछ ज़्यादा मैं कुकिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है सही से, वीकनेस काफ़ी लग रही है, इस वजह से किचन में नहीं जा पा रही हूँ। बस बहुत होता है, रोटी बना लिया कुछ भी, मम्मी है सिस्टर है वही कर रही हैं, जल्दी से दुआ करिए फटाफट जल्दी से ठीक हो जाऊँ। उसके बाद मैं काफ़ी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में बनाने के लिए, नान खटाई है, लड्डू है, अभी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं नहीं बना पा रही हूँ। इंशाल्लाह जल्दी बनाएंगे, और जल्दी मैं, पता है मैं कभी बीमार नहीं होती, हाँ माशाल्लाह मैं कभी भी बीमार नहीं, एक बार साल भर में एक बार, सिर्फ एक साल में एक बार बुखार आता है एक हफ्ते के लिए, और वो भी दवा आप अपनी तसल्ली के लिए खा लो, लेकिन फिर वो अपने आप ही ठीक होता है, पता नहीं क्या कुदरत का है करिश्मा। और माशाल्लाह मैं कभी बीमार नहीं होती, कभी नहीं, फालतू की चीज़ें नहीं होती, लेकिन यही कुछ दिन से हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा है ना, आप छोटा सा बेबी है मेरा, ठीक है, कुछ ऐसी बात नहीं है सर, इंशाल्लाह अच्छा है, ठीक है। आप प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो ना यार, चैनल सब्सक्राइब कर लो, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंट में मेरे चैनल को 2 लोगों ने सब्सक्राइब किया, उनका शुक्रिया आप लोगों का भाई, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे व्लॉग्स को पसंद किया, और इसी तरह सब्सक्राइब कीजिए। और मौज इंस्टाग्राम और MS टकाटक पर अगर फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ भी जाके फॉलो करें, और आईडी आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अरे हम क्या कर रहे हैं, और हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उनकी शरारत बहुत बड़ी हो रही है, मैं दिखाती हूँ, और ये डांटने में बहुत आगे हो रहे हैं। नहीं आप डांटते तो हैं, नहीं आप डांटते तो हैं, क्रीम दिखा दीजिए वीडियो में, क्रीम दिखा दीजिए, क्रीम दिखा दीजिए कैमरे में, दिखाइए क्रीम, आ रहा हम वीडियो में दिखाइए क्रीम, क्रीम दिखाइए, पहले आप क्रीम दिखाइए अपना, आप क्या लिए थे, आप क्या लिए थे, अच्छा मम्मा तो टिश्यू गुस्सा करेंगे आप, ये दिखाइए गुस्सा करेंगे आप, आप तो मेरा लाजा बेतो ना, दिखा दीजिए क्रीम दिखा दीजिए, हाँ ये क्रीम है हिमालय का हेयर क्रीम, और हमने गिरा दिया और हमने दिलो दिया। जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शरारत, गुस्सा एक नंबर का है, सामान उठा के पटकते अभी से हैं, तोड़ना फोड़ना अभी से चालू है इनका, और इनकी लिक्की विक्की हो जाती है रहती है हर वक्त। ठीक है, तो अभी मैं
इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अभी मेरा शाम तक कुछ भी कुछ बनाने का कुछ मन नहीं है, कुछ सोचा नहीं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना खाने में, या फिर एक्स्ट्रा कुछ कुकिंग करने का इरादा नहीं है हमारा, तो इसलिए इस व्लॉग को करते यहीं पे एंड। और बहुत ही जल्दी नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ में मिलते हैं और आपको बताते हैं। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, बहुत लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें पसंद आए तो, और साथ में जो बेल आइकन है ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इंस्टाग्राम मिस्टर कटक और मौज से जाकर फॉलो करें, ठीक है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे मम्मी कुछ कलौंजी बनाने जा रही थी, भिंडी की कलौंजी, तो मैंने कहा वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। यहाँ भिंडी को धो के साफ करके काट किया गया, बीच में उसको कट कर लिया गया है। और वहाँ पे मेथी मंगरेल मैंने दिखाया था आपको पहले, वो रोस्ट किया हुआ था, तो यहाँ पे इस तरह से उसको रोस्ट किया हुआ जो मेथी मंगरेल है उसको हम अभी पाउडर बनाएंगे, यानी कि दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। और यहाँ पे ये बन भी चुका है और उसमें जो है नमक गया है और बाकी के मसाले जो हैं वो सारे मसाले ऐड हो जाएंगे, धनिया मिर्चा हल्दी, ये सारे ऐड करने के बाद में ये देखिए मम्मी मिर्ची डाल रही है, सारा अपने टेस्ट और जितनी क्वान्टिटी में आपने भिंडी को लिया है उसी हिसाब से आपको उसमें लेना है मसाले। और बेसिक मसाले हैं सारे यहाँ पे भी, ये है इसको भी रोस्ट कर लिया गया, ये भी उसमें मिक्स होगा। और मसाले में हल्दी मिर्चा और धनिया पाउडर नमक ये सारी चीज़ें, तीन गर्म मसाला हल्का सा, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद में। और यहाँ पे भिंडी देखिए, यहाँ पे मम्मी ये कलौंजी मम्मी बना रही हैं और बहुत टेस्टी बनती है, रेडी होता है पराठे के साथ में, बड़ा टेस्टी लगता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और यहाँ पे मम्मी थोड़ा थोड़ा सा उठा करके हाथ से बीच कटा हुआ भाग है भिंडी का उसमें इसको भरना है हमें, भरने के बाद में इसको एक एक करके इस तरह से भरना है ना, इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह कुछ यूज़ नहीं होता, इसमें तेल के साथ में ही होता है। तो यहाँ पे देखिए भरने के बाद में इस तरह से कढ़ाई में रख लिया है और बाकी के बचे मसाले को ऊपर से यहाँ पे पूरा डाल दिया गया। और यहाँ पे तेल यानी कि एक से दो बड़ा चम्मच तेल चारों तरफ से आपको इस पर ऊपर से भी करके डालना है और इसको ढकने ढक कर पूरा बिल्कुल धीमी आँच पे इसको कुक करना है कलौंजी को। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है कि आपको गलने के लिए। यहाँ पे देखिए लीड लगा दिया है, लीड लगाने पर बन गया। यहाँ पे ये टिफ़िन में भी पैक हो गया, उस तरह से मैं नहीं दिखा पाई तो मैंने कहा टिफ़िन में दिखा देती हूँ। पराठे के साथ में ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी होता है। और कमेंट्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा।